दोस्तों, इस दुनिया में सभी जीवों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका घर। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना घर बना लेते हैं। और अगर बात करें पक्षियों की, तो ये पक्षी भी अपने रहने के लिए ऐसा शानदार घोंसला बनाते हैं जो हमें पेड़ों में लटकते हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पक्षियों के घोंसले दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार और ख़ास है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे कि आखिर इसे कैसे बनाया गया। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, अमेरिकन रॉबिन। दोस्तों, ये पक्षी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो कि आमतौर पर गर्मियों के मौसम में सक्रिय होते हैं। अगर बात करें इनके घोंसलों की, तो ये पक्षी अपना घोंसला आमतौर पर खुले मैदानी इलाकों जैसे बगीचे, पार्क और पास के जंगलों में बनाते हैं। ये ऐसे इलाकों का चयन करते हैं जो इनके लिए सुरक्षित हो और जहाँ से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की पतली डंगालियों से बनाते हैं और जैसे ही इसे पतली डंगालियां मिल जाती हैं, उसके बाद ये रेशमी धागे और घास की मदद से अपने घोंसले को बुनना शुरू करती है। इसके साथ ही ये इसमें फाइबर का भी इस्तेमाल करती है, जिसके कारण इसके घोंसले को बहुत अच्छी मजबूती मिल जाती है। इसके साथ ही ये अपने घोंसले में गीली मिट्टी का भी इस्तेमाल करती है, जिसके कारण इसका घोंसला और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपको बता दूं कि ये अपने घोंसले में रेशम और घास का इस्तेमाल इसलिए करती है ताकि इसके अंडे सुरक्षित और ठंड से बचे रहें। नंबर 9, यूरेशियन पेंडुलाइन टेड। दोस्तों, ये पक्षी अपना घोंसला बनाने में बहुत सी कलाकृतियाँ दिखाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए विशेष प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो इनके घोंसलों को बहुत खास बनाता है। इनके घोंसले ऊंचे पेड़ों के छोटी शाखाओं पर बने होते हैं जो देखने में बिल्कुल किसी कपास के एक बड़े गठरी की तरह लगते हैं, और ज़्यादातर तालाब, नदियों और छोटे मोटे जल स्रोतों वाली जगहों पर आसानी से मिल जाते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए पौधों के फाइबर्स, रेशमी धागे और खासकर फूलों का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से ये अपने घोंसलों की बुनाई करते हैं। इसके साथ ही ये अपने घोंसले में पौधों के बीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनसे इनके घोंसलों को काफ़ी मजबूती मिलती है। इसके अलावा ये अपने घोंसलों को आरामदायक बनाने के लिए कच्ची वनस्पतियाँ जैसे घास, पौधे की पतली डंडियाँ आदि चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ताकि जब भी ये अपने अंडे अपने घोंसले में दें तो इनके अंडों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नंबर 8, ओलाइव बैग्ड सनबर्ड। दोस्तों, ये पक्षी अपना घोंसला बहुत ही माहिर तरीके से बनाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला ऐसी जगह पर बनाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। इस पक्षी का घोंसला पेड़ की शाखाओं और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं की शरण में होता है, जिससे इसके घोंसले को सुरक्षा मिलती है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की डंठल और रेशमी धागे की मदद से तैयार करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पक्षी अपने घोंसले में ज़्यादातर रेशमी धागों का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि परिवार बढ़ने पर यह स्ट्रेची घोंसला अपने आप अपना आकार बड़ा कर सके, जिससे इन्हें दूसरा घोंसला बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा ये पक्षी घोंसला तैयार हो जाने के बाद अपने घोंसले को बाहर से सूखी पत्तियों से ढक देती है ताकि इनके दुश्मनों की नज़र आसानी से ना पड़ सके। ऐसा करने के बाद ये घोंसला दूर से देखने पर बिल्कुल एक पेड़ पर लटके हुए कचरे की थैली की तरह दिखाई देता है, क्यों है ना? वैसे आपको ये घोंसला कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 7, ब्रश टर्की। दोस्तों, ये पक्षी टर्की में पाया जाता है जो देखने में बिल्कुल किसी मुर्गी की तरह लगता है। अगर बात करें इसके घोंसले की, तो ये पक्षी अपना घोंसला ज़मीन पर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पक्षी सबसे पहले अपने घोंसले के लिए
एक सुरक्षित स्थान का चयन करता है, जिसके बाद ये अपने पैरों से मिट्टी की सतह को खोदना शुरू करता है, जिसके बाद ये पौधे, झाड़ियाँ, पत्थर और पेड़ों की छाल को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। ये पक्षी अपने पैरों की मदद से अपने घोंसले का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का तैयार करता है ताकि इसके अंदर रखे जाने वाले अंडे गर्मी और ठंड से बचे रहें। इसके साथ ही ये अपने घोंसलों में कुछ जगहों पर छेद भी बना देते हैं ताकि तेज हवा का दबाव इनके घोंसलों को ना उजाड़ दे। और जैसे इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये उसमें अंडे देकर उसकी देखभाल करना शुरू कर देती है। अगर इस पक्षी के घोंसले को दूर से देखा जाए तो ये देखने में एक बड़े से कचरे के ढेर की तरह दिखाई देता है। नंबर 6, लॉन्ग टेल टेड। दोस्तों, ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्यारे पक्षियों में से एक है। अगर बात करें इनके घोंसलों की तो ये पक्षी अपना घोंसला काई और मकड़ी के जालों से बनाते हैं, जिसे इकट्ठा करने के लिए इन्हें एक महीने से भी ज़्यादा का समय लगता है। और यही कारण है कि ये अपने घोंसले बनाने की तैयारी एक महीने पहले ही शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये पक्षी वनस्पति और पेड़ की छाल से अपने घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये अपने घोंसले को बाहर से सजाने के लिए काई और मकड़ी के जालों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद इनका घोंसला काफ़ी कमाल का लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने से इनके घोंसलों के अंदर गर्मी भी बहुत कम पैदा होती है, जिससे इन्हें रहने में काफ़ी राहत मिलता है। अगर आप इनके घोंसलों को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये पक्षी समय समय पर काई, मकड़ी के जाले, वनस्पति और कई तरह की सूखी पत्तियों को अपने घोंसलों में लगाती रहती है, जिससे इनके घोंसलों की दीवारें मजबूत और लचीली होती जाती है। नंबर 5, कॉमन ब्लैक बर्ड। दोस्तों, ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए हमेशा पेड़ों को ही चुनती है, और ये ऐसे पेड़ों को चुनती है जिसकी शाखाओं से 3 से 4 डालियां आपस में निकली हुई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे डालियों में इनका घोंसला पूरी तरह से स्थिर और सुरक्षित रहता है। और जैसे ही इन्हें इनकी पसंदीदा जगह मिल जाती है, उसके बाद ये अपने घोंसले के लिए सूखी घास और सूखे पौधों की पतली डंडियां इकट्ठा करना शुरू करती है, जिसके लिए ये कई बार उड़कर जाती है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद ये अपने घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। और जैसे ही इसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये उसे मजबूत बनाने के लिए कभी कभार गीली मिट्टी का भी इस्तेमाल कर लेती है, जिसके बाद इनका घोंसला बिल्कुल एक बड़े कटोरे की तरह लगता है। इसके अलावा ये अपने घोंसलों को आरामदायक बनाने के लिए उसमें सूखी नरम घास और सूखी नरम पत्तियां बिछा देते हैं, जिससे इन्हें और इनके बच्चों को उस घोंसले में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। नंबर 4, येलो ओरियल। दोस्तों, ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है, क्योंकि इनके पीले रंग में काले रंग का पैटर्न बहुत ही कमाल का होता है, जो इन्हें काफ़ी आकर्षक बनाता है। अगर बात करें इनके घोंसलों की तो ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ों की ऊंचाइयों में बनाते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ ये आसानी से दिखाई नहीं देते। ये अपना घोंसला बनाने के लिए ज़्यादातर सूखी घास और सूखी पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये घोंसले के अंदर सूखी पत्तियाँ बिछा देते हैं ताकि ये अंदर आराम से बैठ सके। और अगर आप इनके घोंसलों को ध्यान से देखें तो ये देखने में किसी कप या झूले के समान दिखाई देता है, जो पेड़ों में लटकता और झूलता रहता है, क्योंकि ये उन पक्षियों में आते हैं जो अपने घोंसले को लटकता और झूलता हुआ ही बनाते हैं। वैसे आपको इस पक्षी का घोंसला कैसा लगा, कॉमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 3, नॉर्थन गैनेट। दोस्तों, ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत समुद्री पक्षियों में से एक है। ये जितने प्यारे होते हैं उतना ही प्यारा इनका रंग भी होता है। अगर बात करें इनके घोंसलों की
तो ये पक्षी अपना घोंसला समुद्र के किनारे बनाते हैं ताकि अपना खाना पानी आसानी से ढूंढ सके। ये पक्षी अपना घोंसला समुद्र के किनारे मौजूद चट्टानों या फिर समुद्र के किनारे मौजूद जमीन पर बनाते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए समुद्री जमीन की मिट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। इनका घोंसला जमीन से लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसके बाद ये अपने घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए उसमें घास, सूखे पौधों की लकड़ी और अपने झड़े हुए पंखों को रख देते हैं। और अगर ये अपना घोंसला चट्टानों के ऊपर बनाते हैं तो ये सिर्फ घास, पौधों की लकड़ी और अपने झड़े हुए बालों से ही अपना घोंसला बना लेते हैं, जो बहुत ही मामूली होता है। आपको बता दूं कि जब इनके ब्रीडिंग का मौसम आता है तो ये सभी पक्षी एक साथ लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि अपने ब्रीडिंग के वक्त बिना किसी परेशानी के आराम से रह सके, क्योंकि ऐसे समय में इन पक्षियों पर दूसरे शिकारी पक्षियों का हमला होता रहता है और ऐसा होने पर ये सभी एक साथ मिलकर उस शिकारी पक्षी से निपट लेते हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड फैंटेल। दोस्तों, ये पक्षी अपना घोंसला बनाते समय बहुत ही सावधानी और कुशलता से काम करते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए विशेष प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जो इनके घोंसलों को सुरक्षित और सुखद बनाता है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए जंगल, बगीचे और पार्क जैसी जगह को चुनते हैं और ऐसे इलाकों को पसंद करते हैं जहाँ बहुत ही घने पेड़ पौधे मौजूद होते हैं, ताकि उनके बनाए गए घोंसले आसानी से दिखाई ना दे। ये सबसे पहले अपने घोंसले का बेस तैयार करते हैं ताकि इनके घोंसलों को सुरक्षा और आकार आसानी से मिल सके। इसके बाद ये अपने घोंसलों को रेशमी धागे और घास की पत्तियों से अच्छी तरह से बुन देते हैं और ये बुनाई इतनी खूबसूरती से किया जाता है जिसके कारण इनका घोंसला काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। जिसके बाद ये अपने घोंसलों को आरामदायक बनाने के लिए उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां बिछा देते हैं, जिसके बाद इनका घोंसला काफ़ी आरामदायक बन जाता है और इनके बच्चे भी काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 1, यूरोपियन गोल्डफिंच। दोस्तों, ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित और उचित स्थान का चयन करते हैं और आमतौर पर ये अपने घोंसलों को घर की छतों या फिर घने पेड़ वाली शाखाओं पर बनाते हैं, जिससे इनके घोंसले सुरक्षित रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने के लिए सबसे पहले अपने घोंसले का बेस तैयार करती है, जिसमें ये सूखे पौधों और रेशम के धागों का इस्तेमाल करती है ताकि अपने घोंसले को सुरक्षित और मजबूत बना सके। इसके बाद ये अपने घोंसले की एक खास संरचना बनाती है, जिससे इसका घोंसला पेड़ पर स्थिर रहता है। और जैसे ही ये घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद ये पक्षी उसे बाहर से एक बार फिर सूखे पौधों से ढक देती है ताकि घोंसले की दीवारों को आकर्षक बना सके और अपने अंडों को अंदर सुरक्षित रख सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।